किसने प्रधानमंत्री से ही मांग ली थी रिश्वत? तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने आखिर क्यों बदला था भेष? फिर पीएम से रिश्वत मांगने वालों का क्या हुआ था हश्र? एक दौर था जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह। उनके प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए का एक किस्सा ऐसा है जिसके बारे में सुनेंगे तो आपको अचंभा भी होगा और आप पेट पकड़कर हंसेंगे भी। ये वाकया है साल 1979 का, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपना भेष बदलकर कुछ ऐसा किया था जिसकी चर्चा और जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी थी। उस दिन भी सामान्य सी एक शाम थी। शाम के 6 बजे थे। उत्तर प्रदेश के इटावा के उसराहार थाने में रोज जैसा ही माहौल था। फरियादी आ रहे थे, जा रहे थे, शिकायतें लिखी जा रही थी, किसी को वैसे ही बैरंग लौटाया जा रहा था कि तभी थाने में एक बुजुर्ग वार पहुंच गए। मैला सा सिकुड़ा हुआ कुर्ता पहना था उन्होंने, एक आध जगह से रफू भी किया गया था, धोती भी वैसे ही गमारू अंदाज में लपेटे हुए थे। दिखने में एक साधारण ग्रामीण जिसके चेहरे पर परेशानी के भाव और शायद कुछ कुछ चिढ़े हुए भी लग रहे थे। वो बुजुर्गवार वहां चोरी की रपट लिखवाने पहुंचे थे क्योंकि उनका कहना था कि उनके घर में चोरी हुई है। अपनी शिकायत उन्होंने थाने के सिपाही से कही तो उसने उंगली से एक और इशारा कर इंतजार करने को कहा। इंतजार करते करते उनकी किसी ने सुधी नहीं ली तो उन्होंने फिर से गुहार लगाई कि उनकी रिपोर्ट लिख ली जाए, लेकिन सिपाही ने तो फिर से अनसुना कर दिया। पर कुछ इंतजार के बाद सिपाही ने आकर बोला कि चलो छोटे दरोगा जी बुला रहे हैं। दरोगा जी भी अपने अल्हड़पने में आड़े टेढ़े सवाल पूछने लगे और बिना रिपोर्ट लिखे ही अपने से ज्यादा उम्रदराज बुजुर्गवार को डांट फटकार कर चुप करा दिया। इस डांट से निराश होकर बुजुर्गवार वहां से जाने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज लगाई। एक सिपाही दौड़कर उनके पास पहुंचा और बोला कि आपकी रिपोर्ट लिखी जा सकती है अगर वो अंटे से थोड़ा खर्चा पानी सरकाए तो। रिपोर्ट लिखे जाने की बात पर वे खुश तो हुए, लेकिन घूस की बात सुनकर उनके माथे पर बल चढ़ गए। उन्होंने दुहाई दी कि वे मजबूर हैं, कैसे रिश्वत के पैसों का इंतजाम करेंगे। सिपाही से बहुत बातचीत के बाद तय हुआ कि 35 रुपए घूस देने पर रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी। लिहाजा बुजुर्गवार जेब टटोलते हुए वापस थाने में पहुंचे। वहां बैठे मुंशी ने किसान से पूछा कि वो हस्ताक्षर करेंगे या अंगूठा लगाएंगे। बुजुर्गवार ने कहा साइन करेंगे तो उनको पेन दे दिया गया, लेकिन तभी बुजुर्गवार ने पास में पड़ा हुआ इंक पैड उठा लिया। बुजुर्गवार की इस अजीब सी हरकत को देखकर सबको हैरत हुई। तभी बुजुर्गवार ने पर्चे पर साइन किया और नाम लिखा चौधरी चरण सिंह। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बुजुर्गवार ने जेब से देश के प्रधानमंत्री की मोहर निकालकर पर्चे पर प्रधानमंत्री भारत सरकार ठोक दिया। ये देखते ही सबके होश उड़ गए, सभी हक्का बक्का रह गए। वो बुजुर्गवार कोई और नहीं थे बल्कि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। इसके बाद तो जो हुआ उसकी चर्चा अगले कई दशकों तक हुई। पूरे के पूरे थाने को ही सस्पेंड कर दिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।